के अंदर शुरू से ही लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के पहले ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जो संस्तुति की थी उस संस्तुति के अनुसार सरकार ने तय किया कि लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है उन लोगों को सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग किया जा सके और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले चरण में निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक एक हजार रुपये की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। इसमें हम लोग 20 लाख निर्माण श्रमिकों को ये राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, रिक्शा है, ई रिक्शा, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं इन सब के बारे में भी हम लोगों ने एक सर्वे करा करके सभी प्रशासन को इसके बारे में आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई है कि स्वाभाविक रूप से इस समय लॉकडाउन के कारण इन सब का कार्य प्रभावित है, इनको भी भरण पोषण का एक भत्ता दिया जाना चाहिए। 15 लाख से अधिक ऐसे सभी लोगों को भी जो दैनिक अपनी कमाई करते थे आज उनकी कमाई प्रभावित हुई है उनको भी राशि उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपये अप किया गया है। उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था। ऐसे लगभग 27 लाख 15 हजार से अधिक उन मनरेगा श्रमिकों की एक मुश्त राशि उन्हें दी गई और साथ साथ हम लोगों ने 87 लाख उन परिवारों को जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर अन्य पेंशन की योजना को प्राप्त करते थे समय से पहले उनको पेंशन की राशि एक साथ उन्हें उपलब्ध करवाई गई। ऐसे 87 लाख लोग उस योजना से लाभान्वित हुए हैं। खाद्यान्न प्रदेश के अंदर पहले ही 1 अप्रैल से बंटना प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है जिसमें प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक देने की व्यवस्था है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के अकाउंट खोले गए हैं ऐसी महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी हैं उन लोगों को आगामी 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है और ये व्यवस्था भी प्रारंभ हो चुकी है। खाद्यान्न की व्यवस्था भी प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार के स्तर पर भी हर लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। गरीबों के लिए इस संकट के समय में केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और आज इसी क्रम में ये 4,81,000 जो हमारे नगरीय क्षेत्र के वेंडर्स हैं जिन लोगों को बहुत दिनों से जो उपेक्षित थे इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करने के कार्य नगर विकास विभाग तेजी के साथ आगे कर रहा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में उनके संकट में भी उनके दुख में उनके साथ खड़े होकर के उनको सहायता देने का कार्य, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं कोई अन्य सुविधा नहीं उन लोगों को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास हो रहा है। उनको चाहे वह भरण पोषण का भत्ता हो, राशन कार्ड उपलब्ध करा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, हर जनपद में युद्ध स्तर पर चल रहा है कम्युनिटी किचन के माध्यम से सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था,
स्वास्थ्य की सुविधा जो भी हो, ये सारी व्यवस्थाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार जी को, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस पूरी कमेटी के माध्यम से इस कार्य को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज तथा प्रदेश के अवस्थापना और के हमारे जो विकास के आयुक्त हैं, ये सभी लोग पूरे मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब कोरोना महामारी को तभी रोकने में सफल होंगे जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए उन सभी निर्देशों का सरसा पालन सभी लोग मिलकर के करेंगे। खास तौर पर जो एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम घर के अंदर रहें या बाहर, बाहर हम बहुत आवश्यक हो, इमरजेंसी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो ही हम घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई स्वच्छता के बारे में व्यवस्था जो भी दिए गए हैं उसके अनुसार उसका अनुपालन करें। घर के बाहर निकलते हैं तो हमें एक व्यवस्था करनी चाहिए कि हम मास्क या फिर कोई गमछा या कोई तौलिया मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें। अगर इन सब का पालन करते हैं तो कोरोना हम सब से बहुत दूर रहेगा और हम लोग अपने स्वयं भी, अपने समाज को भी और अपने देश को भी कोरोना महामारी से बचाने में सफल होंगे। मैं आज के इस प्रयास के लिए नगर विकास और आवास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन लाभार्थियों को, जो 4,81,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, इन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन की जो कार्रवाई की गई है, हम सब इसका पालन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।